प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मन की बात करेंगे, लेकिन एमपी में उसी कार्यक्रम के तहत हर बूथ पर चाय पर चर्चा भी की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर मिल रही है, जहां कार्यक्रम के साथ ही एमपी में अब सदस्यता अभियान भी चलेगा। कार्यक्रम में वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। हर बूथ पर चलेगा अभियान का स्पेशल ड्राइव और उसके बाद 2 अक्टूबर से दूसरे चरण की भी शुरुआत होने वाली है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे, लेकिन उसी कार्यक्रम का खास जो रुख है वो मध्य प्रदेश में भी देखा जाएगा, जहां पर हर बूथ पर चाय पर चर्चा भी की जाएगी और इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। अब अभियान जो है, सदस्यता अभियान, वो अपने दूसरे फेज की तरफ बढ़ रहा है। हर बूथ पर चलेगा अभियान का स्पेशल ड्राइव, 2 अक्टूबर से दूसरे चरण की भी शुरुआत होगी। मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी विवेक पांडे जुड़े हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करूंगे। विवेक, पीएम की मन की बात के साथ ही एमपी में और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने, क्या खास बात है इसके तहत? देखिए, मन की बात तो प्रधानमंत्री की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में पीएम की मन की बात के साथ साथ चाय पे चर्चा भी होगी और आज स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। खासतौर पे मध्य प्रदेश में जब सदस्यता को लेकर महाअभियान बीजेपी चला रही है, तो ऐसे में चाय पे चर्चा के साथ साथ तमाम सारे कार्यकर्ता और जो मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने की कवायद है, आज पूरे दिन भर जाएगी। प्रदेश भर के करीब 64,000 से अधिक बूथों पर बीजेपी का ये पूरा कार्यक्रम है। विधायक से लेकर मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी बूथों पर जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनने के लिए वहाँ जाएंगे और साथ में जो वहाँ लोग मौजूद रहेंगे उनके साथ चाय पे चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी और केंद्र की सरकार काम कर रही है विकास को लेकर, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। खास तौर पर स्पेशल ड्राइव के जरिए युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। कल ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि 64,000 बूथों पर सबसे ज्यादा जो बीजेपी को वोट, महासदस्य अभियान के जरिए जो युवा जुड़े हैं, करीब 60% युवा जुड़े हुए हैं। महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा कम है, इसलिए महिलाओं को जोड़ने के लिए अलग से एक अभियान चलाया जाएगा और ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। लेकिन आज बूथ स्तर पे पूरा महासदस्यता अभियान का ड्राइव चलाया जाएगा, खासतौर पे उन पिछड़े एरिया में जहाँ पे बूथ वोटिंग का जो, माफ करिएगा, महासदस्यता अभियान का जो टारगेट था वो कम हुआ है। करीब 20 जिले ऐसे हैं जहाँ पे टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं वहाँ के स्थानीय नेता, तो वहाँ पर भी सबसे ज्यादा जोर देने के लिए कल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। आज इसका लिटमस बिल्कुल, और इसी सिलसिले में कल समीक्षा बैठक भी की गई थी, लेकिन विवेक, पहले फेज के आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं और अब क्योंकि दूसरे फेज तक जाने की तैयारी है, तो कितना सफल भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान अभी तक नजर आ रहा है? देखिए, करीब 70% टारगेट अचीव कर लिया गया है। करीब 1 करोड़ 8 लाख से अधिक महासदस्यता अभियान के जरिए, मिस कॉल के जरिए सदस्य बना लिए गए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य बनाए जाएंगे और मध्य प्रदेश में ये पूरी कवायद 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे चरण के कार्यक्रम से शुरू हो जाएगी। खासतौर पर जो पिछड़े जिले हैं, करीब 20 ऐसी जिलों की सूची आई थी और करीब 70 विधानसभा है जहाँ पर बीजेपी अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई है। अगर वो टारगेट पूरा करती है तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का दावा जरूर सफल होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी को महासदस्यता अभियान में सफलता नहीं मिलती है तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ का आंकड़ा भी छूना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती हो जाएगी, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में करीब 1 करोड़। बिल्कुल, दावा किया जा रहा है और प्रयास भी उसी ओर किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए।